आरती स्थल का टीन सेट गिरा, बाल बाल बचे पुजारी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रज घाट में बनारस की तर्ज पर नृत्य प्रतिदिन सुबह शाम भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि गुरुवार को तीर्थ नगरी ब्रज घाट में नित्य प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती की जा रही थी। अचानक तेज आंधी तूफान के चलते आरती स्थल पर लगा क्षतिग्रस्त टीन सेट गिर पड़ा, जिसमें गंगा आरती कर रहे पुजारी बाल बाल हादसे का शिकार होने से बच गए। गंगा सभा आरती समिति के लीगल एडवाइजर कपिल शर्मा ने बताया कि आरती स्थल पर टीन सेट शासन ने अपनी योजना से लगवाए थे, जो काफी वर्ष पुराना हो गया था। टीन सेट बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई थी, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज बहुत ही बड़ा हादसा टल गया। आरती स्थल पर यात्री सेट का निर्माण किया गया था। पर्यटन विभाग द्वारा काफ़ी सारे कार्य विकास कार्य कराए गए थे लगभग 3 साल पहले, तो तब ये आरती सेट पे आरती स्थल पर यात्री सेट का भी निर्माण हुआ था। इस सेट पे जो चादर इन्होंने डाली है वो फाइबर में, वो चादर काफ़ी हल्की है और उसका उस समय पे भी स्थानीय नागरिकों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन वो ठेकेदार ने डाल दी उसके बाद भी, तो वो 3 साल में ही पूरा जर्जर हो गई है और उस लगातार टूट टूट के गिर रही है। रात वो उस समय पे गिरी जब आरती चल रही थी, नीचे यात्री और श्रद्धालु भी खड़े हुए थे, पुजारियों द्वारा आरती हो रही थी, तो एक बड़ा टुकड़ा ऊपर से टूट के गिरा, जिसमें श्रद्धालु और पुजारी बाल बाल बचे। तो उसी पर हमने कई बार व्हाट्सएप और अन्य मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से संबंधित विभाग को भी अवगत कराया है, लेटर भी भेजा है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हमने माननीय जिलाधिकारी